Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello my dear student, आज हम देखने वाले principle of scalar chain. What do you mean by scalar chain? Everything should be in one chain. एक से एक जो जो authority and responsibility है वही हिसाब से, जो जो levels of management है, information and order वही वैसे ही structure में जाने चाहिए जैसे उनका authority है, जैसे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, वो डिटेल में देखने वाले हैं हम आज के वीडियो में. यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्केलर चेन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी, देखो पहले मैं बात करूंगा अपर लेयर से लोअर लेवल पे क्या आता है, एंड सेकेंडली बात करूंगा लोअर लेवल से अपर लेयर पे क्या जाता है. अपर लेयर से लोअर लेवल क्या आता है, ऑर्डर्स आते हैं कि आपको ये करना है, टारगेट्स आते हैं कि आपको इतना इतना अचीव करना है. जबकि लोअर लेवल से अपर लेयर पे क्या जाता है, इंफॉर्मेशन जाता है एंड रिपोर्टिंग जाता है एंड रिजल्ट्स जाता है कि आपने ये टारगेट दिया था, हमारा ये रिजल्ट है, आपने ये ऑर्डर दिया था उसका देखो ऐसा ऐसा काम हुआ और ये लो रिपोर्टिंग. तो ये जो भी चीज़ें जा रही है वो वही चेन में जानी चाहिए, सुपीरियर सबॉर्डिनेट. फॉर एग्जाम्पल चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी में सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबसे ऊपर एक्चुअली शेयर होल्डर होता है, बट दे आर नॉट इन अ वर्किंग पोजिशन, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द कंपनी, दे आर जस्ट इन्फ्यूजिंग द कैपिटल. यस, तो कंपनी में सबसे हायर लेवल पे कौन होता है, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. उसके नीचे कौन होता है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. उसके नीचे कौन होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. उनके नीचे कौन होता है, सुपरवाइजर्स. और उनके नीचे कौन होता है, वर्कर. तो कोई भी बीओडी जो भी ऑर्डर देगा वो सबसे पहले सीईओ को जाना चाहिए. सीईओ क्या करेगा, वो ऑर्डर को डिसेमिनेट करेगा एचओडीज में. एचओडीज क्या करेंगे, वो ऑर्डर अपने सुपरवाइजर को देंगे. सुपरवाइजर क्या करेंगे, वो ऑर्डर अपने वर्कर को देंगे. तो यही चेन में जाना चाहिए, समझ रहे हैं. जो भी रिपोर्टिंग आएगा, जो भी रिपोर्टिंग वर्कर देगा वो अपने सुपरवाइजर को देना चाहिए, सुपरवाइजर अपने एचओडी को देना चाहिए, एचओडी अपने सीईओ को देना चाहिए, सीईओ अपने बीओडीज को देना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना चाहिए. तो ये लाइन ऑफ कमांड आपको फॉलो करनी है. बट समटाइम्स कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं, कभी कभी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है कि जब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा चेन तोड़ के गैंग प्लैंक बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा, गैंग प्लैंक. मतलब क्या, एक क्या बोलते हैं, एक लाइन आपको मिस करके ऊपर के लाइन पे क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही होता है. फॉर एग्जांपल समझो अभी फैक्ट्री में आग लगने वाली है, ठीक है, मुझे पता है कि यार कुछ तो चीज़ें खराब हुई है, अगर उसको एक घंटे में रिपेयर नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, पूरा का पूरा फैक्ट्री ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है. ये अगर मुझे पता है बींग अ लोअर लेवल वर्कर, अगर यार मैं डायरेक्ट सीईओ तक ये बात नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अपने सीनियर को बोल रहा हूं, सीनियर अपने सीनियर को बोल रहा है और ये बातें चल रही है, एक दो घंटा तो कम्युनिकेशन में ही जा रहा है, तब तक तो फैक्ट्री ब्लास्ट हो गया, समझ रहे हैं. तो ये ना, उसके लिए मेरे को अथॉरिटी दिया जाना चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट अपने हाइएस्ट पोजिशन वाले मेंबर को पूछना पड़ेगा, देखो बॉस ये सिचुएशन है. अगर तुरंत उसका रिजोल्यूशन नहीं लाया गया, जिसके लिए हो सकता है कि 1-2 लाख खर्चा होने वाला है, नहीं लाया गया तो पूरा का पूरा फैक्ट्री ब्लास्ट हो सकता है, टेल मी व्हाट टू डू सर. तो ये अगर अथॉरिटी नहीं दिया गया है, ये ब्रेक करने का अथॉरिटी नहीं दिया गया है, तो क्या हो सकता है, पूरा का पूरा फैक्ट्री ब्लास्ट हो सकता है, चीज़ें और ख़राब हो सकती है. तो बोला है कि जनरली इंफॉर्मेशन जो लाइन में जाने चाहिए, ऊपर से नीचे ऑर्डर्स और नीचे से ऊपर इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग जो लाइन में जाने चाहिए, सारे के सारे लाइन को फॉलो करना है आपको. बट समटाइम्स इट मे हैपन दैट इमरजेंसी सिचुएशन राइजेज, इट कम्स इन टू पिक्चर. तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, वो पूरा का पूरा लाइन ऑफ कमांड तोड़ना है और डायरेक्ट अपर लेयर से बात करना है, डायरेक्ट आपको हाइएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी से बात करना है और उसका सोल्यूशन लाना है. Every order and instruction has to be passed through the chain that is ranging from the ultimate authority up to the lowest level of authority. But sometimes in case of emergency situation and for convenience or for any emergency situation, this path can be cut off and it can be coordinated to the highest level of authority by the lowest level of authority to get the solution for that. It says that there must be temporary arrangement between two different positions to get speedy communication.
टू गेट द स्पीडी एंड फैसिलिटेट क्विक डिसीजन मेकिंग. और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा. कुछ बहुत बड़ी चीज़ जो बहुत ही अर्जेंट है, जिसका सोल्यूशन लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, फास्ट सोल्यूशन लाना ज़रूरी है, तभी क्या करना पड़ेगा, गैंग प्लैंक यूज़ करना पड़ेगा. और वो गैंग प्लैंक यूज़ करने से ही वो चीज़ें बच सकती है, अदरवाइज बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. तो वो टाइम पे गैंग प्लैंक यूज़ करना है, उसका टेम्पररी अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा, उतना अथॉरिटी देना पड़ेगा कि देख ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाएगा, पूरा का पूरा फैक्ट्री ब्लास्ट हो सकता है. यू कैन टेक अ कॉल एंड कॉल डायरेक्टली टू द सीईओ ऑफ द कंपनी और बीओडी ऑफ द कंपनी टू टेक द फास्टेस्ट डिसीजन. बट ऐसा सिचुएशन आएगा तो ही, हर छोटे छोटे सर एक जगह पे छोटा सा माइनर रिपेयर करवाने का 1000 का, उसके लिए आप बीओडी को कॉल करोगे, वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मच हायर, उसका लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग इज मच हायर है. 1000-2000 के लिए आप बीओडी को कॉल करोगे, वो तो आपको चिल्लाएगा, समझ रहे. तो उसके लिए आपको ये लेवल लेयर्स पास करने हैं. सारे चीज़ों में स्केलर चेन ही यूज़ करो, बट इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करो, गैंग प्लैंक यूज़ करो. तो इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाते हो तो क्या करो, अपना जो भी कम्युनिकेशन का लाइन है उसको मॉडिफाई करो एज पर दी रिक्वायर्ड सिचुएशन. सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलर चेन. क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, कि आपको लाइन ऑफ कमांड ही फॉलो करनी है. एवरी इंस्ट्रक्शन, एवरी ऑर्डर एंड एवरी रिपोर्टिंग एंड क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन शुड बी विद द सेम लाइन ऑफ ऑर्डर. ऊपर से नीचे क्या आता है, ऑर्डर्स आते हैं, और नीचे से ऊपर क्या जाता है, रिपोर्टिंग जाता है. तो सारे लेयर्स को सारी बातें पता होनी चाहिए, बट इमरजेंसी सिचुएशन आए तो वो लाइन को तोड़ो और गैंग प्लैंक को यूज करो. दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स. प्लीज सब्सक्राइब इकीड़ा चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू.